दोस्तों, अगर आप भी जियो की सिम यूज कर रहे हो तो आपके मन में एक डाउट होगा, टेंशन होगी कि मेरा बिल एक्चुअली में आएगा या नहीं आएगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज मैं आपको इस बारे में ही बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल सपोर्ट पर्पस। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपका कोई बिल नहीं आने वाला है, आप बिंदास चलाओ जियो को यार, कोई टेंशन नहीं है, ये सब फेक है, स्कैम है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास प्रीपेड सिम है तो देखो, प्रीपेड में कभी सवाल ही नहीं होता है कि बिल आ जाए। तो पहली बात यही खत्म हो जाती है कि आप प्रीपेड के यूज करो तो आप बिल्कुल सेफ हो, आपका बिल आ नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि प्रीपेड में क्या होता है, आप अपना रिचार्ज कराओ सिंपल और यूज करो। तो आपने जब रिचार्ज ही नहीं कराया, ठीक है, जब आगे से कंपनी फ्री दे रही है, तो आपका बिल कैसे आ सकता है? अगर आप पोस्टपेड सिम यूज कर रहे हो तो भी कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ पोस्टपेड सिम में क्या है। अगर 31 मार्च 2017 तक अगर जियो ने ऑफर जो दे रखा है, अगर आप वहां तक चलाओगे उसको, तो कोई टेंशन नहीं है, आपका बिल नहीं आएगा। लेकिन आपको याद रखना, 31 मार्च 2017 के बाद उसमें सर्विस आपको नहीं चलानी है, आपको डिसेबल करा देनी है अगर आप जियो ऑफर नहीं एक्सटेंड करता है तो। वैसे खबर आ रही है कि जियो एक्सटेंड कर देगा ऑफर भी, तो इस चैनल से आप बने रहिए, क्योंकि मैं आपको वो वीडियो भी आपको लेके जरूर आऊंगा अगर जियो ने ऑफर ऑफर एक्सटेंड करा तो। दोस्तों, अब आती है बात दूसरी की, वो बिल कहाँ से आया फिर? तो दोस्तों, बिल मैं आपको बता देता हूँ, आप जानते हो यार आजकल फोटोशॉप हो गया, इतनी सारी चीजें हो गई है कि बिल एक आसानी से कोई भी बना सकता है जिसको थोड़ा बहुत फोटोशॉप चलाना आता है। तो दोस्तों, आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ छोटी सी, कि जो व्हाट्सएप पे मैं अपने मैसेज पढ़े होंगे कि यार ये 5 लोगों को भेजो, ये बॉक्स खुल जाएगा, ये आप आगे भेजो, ये पैटर्न लॉक खुल जाएगा, आप इसको 5 लोगों को भेजो, आपको 500 रुपये मिल जाएंगे, ये लिंक पे खोलो, फास्ट ट्रैक ने ऑफर दिया है, घड़ी मिल जाएगी, आपने ये करा है, वो करा है, पता नहीं क्या क्या है, फालतू फालतू के मैसेज आते हैं। और ये आता है कि अगर आपने आगे भेजा नहीं तो आपका बुरा हो जाएगा। दोस्तों, आप एक कॉमन सेंस लगाओ और एक बात आप खुद अपने मन से पूछो कि ऐसा कभी होता है यार कि आपने मैसेज पढ़ा और कि मैंने अगर आगे नहीं भेजा तो भाई मेरे पास मेरे साथ बुरा हो जाएगा या मेरे को ये हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर ऐसे मैसेज आपके साथ है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अपनी तरफ से जो इस वीडियो को देख रहा है उससे रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे मैसेज को देखते ही डिलीट कर देना चाहिए। आप सोच रहे होंगे यार भेज भी दूंगा तो क्या फर्क होगा? दोस्तों, जिसको आप आगे भेजते हो, एक तो वो दुखी होता है उन मैसेजों से, वो सोचता है मैं आपको कुछ दो बातें सुना दूं, और दूसरा फिर क्या होता है कि आप ऐसे लोगों को और बढ़ावा देते हो जो ऐसे मैसेज बना बना के आगे भेजते हैं, वो वायरल होते रहते हैं, फैलते रहते हैं, फैलते रहते हैं, फैलते रहते हैं। तो इसी तरीके से जियो का बिल भी फैल जाता है दोस्तों, फेक। अगर आप देखो, व्हाट्सएप एक ऐसी चीज है, उस पर चाहे आप फेक न्यूज हो या रियल न्यूज हो, फैलने में टाइम ही लगाती है। तो इसलिए मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि जियो का बिल भी एक जियो की न्यूज की तरह फेक था। तो आप टेंशन मत लीजिए, बिंदास चलाइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर सबसे ज्यादा करें, क्योंकि अगर जिसको अभी तक नहीं पता है जियो का बिल नहीं आएगा तो प्लीज उसे शेयर कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए। वो अगर टेंशन में होगा कि मेरा बिल आएगा, बिल आएगा, तो आप इस मेरी वीडियो को शेयर करके उसको बता सकते हैं कि आपका बिल नहीं आएगा भैया। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज प्लीज इसे शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में हम लिख सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।